सोनीपत की भूमि को सत सत नमन। हमारे राकेश कुचल जी, हिमांशु कुचल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच प्रस्तुत होने का। एक अपॉर्चुनिटी है अपने कुछ वक्तव्य, अपनी कुछ फीलिंग्स आपके लोगों के साथ में शेयर करने का। तो ये एक जो सोनीपत की भूमि है, ये एक ऐतिहासिक भूमि है, और मैं चाहूँगा कि अपने जो कुछ शब्द मैं बोलूँ वो भी कुछ ऐतिहासिक ही हो, जो आपके दिलो दिमाग पे कुछ असर करें, कुछ आप सोचें उन सब चीज़ों के बारे में। और स्मृति मैम और हमारी जो नीलम मैम है, प्रिंसिपल हैं, उनको उनके चरण में मेरी वंदना, क्योंकि टीचर का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं भी आप जाएंगे तो हमेशा आपको एक गुरु चाहिए, एक टीचर चाहिए। चाहे आप प्राइमरी में पढ़ें, चाहे आप ग्रेजुएशन में जाएं, ग्रेजुएशन होने के बाद चाहे आप प्रोफेशनल करें, हमेशा आपको एक गुरु की आवश्यकता हमेशा होगी। प्रोफेशनल करने के बाद अगर आप जॉब भी कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो आप स्टार्टिंग से लेके जब तक आप कुछ बनते नहीं हो, तब तक आप एक स्टूडेंट रहते हो, एक शिष्य रहते हो। और जब आपको कुछ सीखना है तो आपको हमेशा एक शिष्य बन के ही सीख सकते हो, गुरु बन के आप कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। शिष्य बनने के कुछ नियम हैं, शिष्य बनने के भी बहुत सारे नियम होते हैं कि आपको शिष्य, अच्छा शिष्य कैसे बनना है, उसके भी कुछ नियम कानून हैं। कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग उनको नहीं मानते। अच्छा शिष्य कैसे होता है? अच्छा शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के पास जाए तो शून्य हो जाए। शून्य का मतलब आप समझते होंगे नहीं, शून्य का मतलब होता है कि जब आपका गुरु आपको ज्ञान दे तो आप उस ज्ञान को लें। अगर आपने उस ज्ञान के अंदर अपना ज्ञान मिला दिया और लेने लगे तो आप कभी भी उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है जब भी आप किसी से कुछ भी ज्ञान लेने जाएं, तो हम हमेशा आप अपने आप को एक ब्लैंक बोर्ड की तरह कर लें, एक जीरो, एक खाली पेपर। खाली पेपर करने के बाद ही आपके चीज़ों के ऊपर लिखा जा सकता है या उस पेज पे लिखा जा सकता है। अगर आपने उस पेज पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ है तो आप उस पेज के ऊपर दोबारा नहीं लिख सकते, उसके ऊपर रीराइटिंग नहीं है। वो सीडी नहीं है, वो सीडीआर वाले की चलो उसको रीराइट कर दो, संभव नहीं है। अगर आपको उसके ऊपर लिखना है, अपने दिमाग पे कुछ लिखना है, तो पहले वाले को इरेज करना पड़ेगा, तब आप उसके अंदर कुछ डाल सकते हो। इट्स लाइक न्यू डिस्क, पुरानी डिस्क को आपको निकालना पड़ेगा और नई डिस्क को डालना पड़ेगा, तब जाके आप उस ज्ञान को ले सकते हो। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा भारत माता की जय के ऊपर जो चीज़ें हैं। भारत माता एक बहुत अच्छा हमने शब्द पाया था। भारत माता कब जन्मी और कब उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में शायद किसी को जानकारी है, जवाब है किसी के पास? कि हम भारत माता की जो जय बोलते हैं, वो भारत माता आई कहाँ से? क्या कोई मंदिर है? क्या इस तरह कोई मंदिर है भारत माता का? क्या कोई ऐसी स्त्री पैदा हुई जिसने हमारे समाज को लीड किया, जिसको हमने माता माना? है कोई जवाब आपके पास ऐसा? ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ, भारत नाम की कोई माता हुई ही नहीं। अब ये भारत माता कौन हुई जिसके हम लोग नारे लगाते हैं, जिसके हम जयकार करते हैं? क्योंकि इस भारत देश का नाम तो राजा भरत के नाम पे पड़ा, मैं सही हूँ या गलत? यस सर। तो भारत माता कहाँ से आ गई? तो थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि ये सवाल जो था मुझे खाया जा रहा था बहुत सालों से, और मैंने इसको पूरी रिसर्च की, और जब जाकर मैंने तथ्यों को निकाला, वो तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि
कि भारत माता आई कहाँ से, भारत माँ का जन्म कब हुआ और भारत माँ को किस तरह से हमने उत्साह के लिए अपने आपको आजादी की लड़ाई में जोड़ने के लिए हमने उस शब्द को यूज किया। कैसे शब्द हुआ हो, एक प्ले राइटर थे बंगाल के किरण चंद्र बैनर्जी। किरण चंद्र बैनर्जी थे, उन्होंने एक प्ले लिखा, एक नाटक लिखा 1872 में और उसको स्क्रीन मतलब एक जो नाटक होते हैं उसके अंदर उसको प्रस्तुत किया गया। नाटक आप समझते हैं पिछले कुछ समय पहले तक, जब तक ये बॉलीवुड वगैरह जब तक टीवी नहीं चला था तो जगह जगह जाके नुक्कड़ सभाएं होती थी, नुक्कड़ नौटंकी होती थी, नुक्कड़ नाटक होते थे। उसी सिलसिले में उन्होंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था भारत माता। उस नाटक में क्या था, उस नाटक के पीछे भी मैं जाऊं तो 1769 में बंगाल क्षेत्र कौन कौन सा आता था, बंगाल प्रोविंस आता था आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, ये सारा एरिया आता था बंगाल के अंदर। तो उन्होंने 1769 में सूखा पड़ा था बंगाल में 4 साल तक लगातार, उसके अंदर 10 मिलियन का मतलब समझते हैं सर आप लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसके अंदर मर गए थे। उसमें जो रिवॉर्ड जो लोगों ने संघर्ष किया था उसको उन्होंने एक प्ले के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो एक इंसान, एक आदमी होता है और उसकी पत्नी होती है, दोनों जाके संघर्ष करते हैं, उनको एक प्राइस्ट होता है जो संत बोलते हैं, संत उनको एक रास्ता दिखाता है एक मंदिर की तरफ। तो मंदिर जो होता है वो दिखाता है कि वहाँ एक इस तरह के कुछ चित्र है, वो चित्र होता नहीं है, एक इमेजिनरी चित्र था, उसको उन्होंने भारत माता का मंदिर माना और उस प्ले का नाम था भारत माता। उस भारत माता को फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में वंदे मातरम लिखा। फिर टैगोर साहब हुए, उन्होंने 1906 में एक चित्र बनाया, वो जो चित्र भी था वो जो पेंटिंग थी, पेंटिंग भी लाइक कॉपी टाइप की थी, यूरोपियन एक लेडी थी टेनन, उसके नाम से उन्होंने वो सिक्के भी यूज़ करते थे उसको, वो लेडी एक हाथ में त्रिशूल लेके रखती थी, एक हाथ में उसने ढाल पकड़ी हुई थी और पीछे उसके एक शेर था, यूरोपियन था, वो सिक्के पे यूज होता था। तो उसी तरह का एक चित्र, एक पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई टैगोर साहब के द्वारा। उस फोटो में उन्होंने जो लेडी थी उसको गेरुआ वस्त्र पहनाया, गेरुए वस्त्र लिया और 4 हाथ उनके दिए गए, एक हाथ में उनके कपड़ा था, एक हाथ में चावल के दाने थे और कुछ उनके जनरल यूज़ की चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो था। तो वो जो फोटो था उसको बंगमा बोला गया और वो धीरे 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 स्प्रेड होती चली गई, जिससे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको ऊर्जा मिलती थी, उनको उससे उत्साह मिलता था। तो वो भारत माता 1769 का जो केस था सूखा का उससे शुरू हुआ और 1872 में प्ले हुआ और 1882 में ये आपका जो सॉन्ग था जिसको हम लोग भारत का जो कौन सा है आपका वंदे मातरम था उन्होंने लिखा, उसके अकॉर्डिंग वो फिर जोड़ा गया। फिर 1936 में बनारस में एक मंदिर बनाया गया जिसके अंदर भारत का एक मैप बना, उस मंदिर को भारत माता का मंदिर बोला गया और महात्मा गांधी जी ने उसको इनॉग्रेट किया। उसके अंदर भी कोई फोटो नहीं है। आज के टाइम में अगर हम भारत माँ को इमेजिन करते हैं तो क्या इमेजिन करते हैं हम लोग, एक लेडी है उसने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है या तिरंगा लपेटा हुआ है, हाथ में तलवार और 4 हाथ हैं उनके अलग अलग, उन्होंने हथियार लिए हुए हैं और पीछे उनके एक शेर है, यही इमेजिन होता है। तो आज का ज्ञान क्या था हमारा, भारत माता के बारे में जानकारी।
और एक और मैं अपने आपको बताना चाहता हूँ, जीरो पे हमारी चीज़ें शुरू हुई थी। कि जीरो, जीरो के बारे में उल्लेख करूँगा कि जीरो को किस तरह से हमको अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि एक शिष्य होना मतलब जीरो होना। अगर आप पहले से ही आपके पेज पे कुछ लिखा हुआ है तो कोई और जाकर उस पेज के ऊपर लिख नहीं सकता, तो जीरो होना आपके लिए कितना आवश्यक है। पेरेंट्स को मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी को, क्योंकि पेरेंट्स का उनके बच्चों में बहुत बड़ा रोल है। मैं अपनी बात करूँ, मेरा भी 10 साल का बेटा है, एक 5 साल का है, 2 बेटे हैं। मेरा बेटा जो बड़ा वाला है वो 2 चीज़ में मेरा गुरु है। मेरा गुरु मतलब मेरा बेटा ही मेरा गुरु बना। मुझे दोस्तों फ्री स्टाइल स्विमिंग नहीं आती थी, तैरना नहीं आता था, फ्री स्टाइल जो होती है एक अलग स्टाइल होती है। मेरा बेटा कोचिंग के लिए जाता था स्विमिंग के लिए, उसको फ्री स्टाइल आती थी और मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक करता था, तो दोनों साथ में गए स्विमिंग पूल में तैरने के लिए। तो मेरे बेटे ने बोला, पापा आज हम लोग फ्री स्टाइल करेंगे। बच्चा है, उसकी माननी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, फ्री स्टाइल करेंगे। मुझे मालूम है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, कि कुछ भी हो जाए मैं एक सांस में 30-35 मीटर तो क्रॉस कर ही जाऊँगा। हाथ भी नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो मैं अंडर वाटर चला जाऊँगा। लेकिन डाइव किया मैंने और उसने, दोनों ने साथ में डाइव किया। वो तो चलता रहा, 10 मीटर जाने के बाद मैं हाँफना शुरू हो गया और मेरे हाथ जो थे वो ब्लॉक हो गए, मसल्स टाइट हो गए, मुझसे आगे नहीं बढ़ा गया। और मैंने क्या किया, अपनी पुरानी वाली स्टाइल को जो आती थी, इसलिए मैंने बोला जीरो। अगर आप जीरो नहीं हैं तो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मुझे पहले से ही आता था तो मैंने वही स्टाइल शुरू की दोबारा और मैंने जाके टच कर लिया और लाइन पे पहुंच गया। वो मेरे ऊपर मुस्कुराया, पापा आपको फ्री स्टाइल नहीं आती है। मैंने कहा हाँ नहीं आती है, मुझे सिखाओगे, मुझे आप सिखाओगे? तो बोला हाँ। तो उसकी जो स्विमिंग होने के बाद फिर मैं शाम को स्विमिंग जाता था, उसको साथ में ले जाता था और उसको ऊपर खड़ा रखता था और मैं पानी में स्विमिंग करता था। जो भी करेक्शन होते थे वो मुझे बताता था कि पापा अभी हैंडल को ऐसे लाना है, पैरों को ऐसे चलाना है, हैंड मूवमेंट ऐसे करनी है, लेग मूवमेंट ऐसे करनी है, आपका जो एंकल है एंकल मूवमेंट इस तरह से करनी है। तब मैं धीरे 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 फ्री स्टाइल स्विमिंग करना सीखा। कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटे या अपनी बेटियों से सीखते हैं। गुरु जरूरी नहीं है कि आपसे बड़ा होगा या आपसे ज्ञानी होगा, वही आपका गुरु हो सकता है। गुरु आपके बच्चे भी हो सकते हैं। मेरा खुद का बेटा गुरु मुझे मिला। एक और चीज़ में उसने मुझे उसमें गुरु के दर्शन हुए, वो था स्केटिंग। कितने पेरेंट्स हैं जो स्केटिंग जानते हैं, कुछ बच्चे थे आज, 2-4 बच्चे थे जिन्होंने स्केटिंग करके एंट्री की, उनके माँ बाप भी होंगे यहाँ पे, क्या वो स्केटिंग जानते हैं करना? जिनके वो बेटे हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो माता पिता स्केटिंग करना जानते हैं क्या? शायद यहीं पे होंगे उनके पेरेंट्स। और आंसर प्रोबेबली नो होगा, नहीं समझते। अगर हम यहाँ पे एन और लगा दें तो आंसर होगा नो, वो नहीं जानते हैं। लेकिन उनके बेटे और उनकी बेटियां जानते हैं और उनके ऊपर वो फक्र करते हैं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन आपको एक धारा मिली सीखने के लिए, आपने सीखा क्या? मेरा बेटा भी जाता था स्केटिंग करने के लिए, मैं भी उसको लेके जाता था, करता रहता था। फिर एक दिन बोला पापा आप भी करोगे? मैंने बोला मुझे बेटा मुझे नहीं आती है। ही स्माइल एट मी, ओके पापा आपको नहीं आती है। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगी कि यार मुझे भी सीखना चाहिए क्या, 30-31 साल की एज में मुझे स्केटिंग सीखने चाहिए क्या? मेरा आंसर था
यस सीखना चाहिए। तो दोस्तों रात को जाता था जब सब लोग सो जाते थे और उस ग्राउंड में कोई दिखाई नहीं देता था, रात को खाना खाने के बाद जाता था और 3 हफ्ते तक मैंने खूब कूले तुड़ाए, खूब ऐसा नहीं था नहीं गिरा, एक बार में कितनी राउंड अंदर स्केटिंग ग्राउंड में है अब कितनी बार गिरोगे आपकी काउंटिंग नहीं है। और बेटा पता है कहाँ से देखता था, वो खिड़की से देखता था मुझे और काउंटिंग बताता था अपनी मम्मी को, मम्मी पापा आज 10 बार गिरे, मम्मी पापा आज 15 बार गिरे। तो संख्या जो थी पहले 20 थी वो 15 हुई, फिर 10 हुई, फिर 5 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। और जब मैं वेल कॉन्फिडेंट फील करने लगा तब मैं एक शाम को अपने पैरों में स्केटिंग डाल के और उस ग्राउंड पर मैंने सब जितने खड़े हुए थे उनके सामने अपने आप को उतारा और स्केटिंग शुरू किया। तो पता है जो मेरे दोस्त लोग आते थे अपने बच्चों को लेके, उन लोगों ने क्या बोला, अरे देवतिया भाई आपको तो स्केटिंग आती है। तो उनको क्या पता कि रात को कितनी बार गिरा हूं मैं, लेकिन मैंने उस चीज को नहीं बताया कि नहीं चीजें सीखना हमारे हाथ में है। अगर हम उस बैरियर को अगर हम उसको हमेशा ब्लैंक करके रखें तो उस पेज के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। अगर आपके पेज पे पहले से ही सोचोगे कि भैया पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सीख पाएंगे अपनी जिंदगी में। और मैं अपने आप को सर आज भी एक अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कहीं भी जाओ मैं पिक करता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता हूँ। मैं सीखने में कंजूसी नहीं बरतता हूँ, बाकी सब चीज़ों में हो सकती है लेकिन सीखने में बिल्कुल भी नहीं। जितना हो जाए मैं घुस जाता हूँ पूरा सीखने के लिए। और यही एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है दोस्तों बच्चों कि सीखने में कभी भी हिचकिचाना मत। जैसे आप लोग डांस कर रहे थे तो मैं पहली वाली लाइन को नहीं देखता हूँ, मैं लास्ट लाइन को देखता हूँ क्योंकि पीछे ही है, जो धागा होता है वो कमजोर पीछे से होता है सामने से नहीं। अगर हम पीछे वाली दीवार को अगर स्ट्रॉन्ग कर ले तो आगे वाली से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोस्तों हमारी बात हो रही थी जीरो के ऊपर, अभी तक जीरो खत्म नहीं हुई है। और एक और बात बता दूं आपको मैं, विवेकानंद जी ने 0 पे 2 घंटे तक लेक्चर दिया था, मेरा तो ज्यादा नहीं हुआ है। 0 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0। 0 का आविष्कार किसने किया था बच्चों, आर्यभट्ट ने। और 2 घंटे का लेक्चर लिया था विवेकानंद जी ने, और मैं भी थोड़ा सा ले रहा हूँ है ना। मुझे अब तक वो वीडियो नहीं मिली है विवेकानंद जी की कि जिसमें उन्होंने 0 के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दिया है। 0 के ऊपर मैंने कुछ तैयार किया है, शायद आपको पसंद आए। ये एक बड़ा सर्कल है, 0 एक सर्कल है जो हमारी जिंदगी को दर्शाता है। जहां से शुरू करते हैं वही आके खत्म हो जाता है, सही है। 0 को अगर ऐसे काउंटिंग शुरू करें तो 0, 1, 2, 3 ऐसे जाती है, लेकिन ये 0 नीचे की तरफ भी जाती है जिसको माइनस में बोलते हैं, 1, -2, -3 ऐसे होती है ना, ऐसे ही है। 0 का मायने हमारी जिंदगी में इसलिए है कि अगर हम यहाँ पे हैं 0 पे, अगर मैं इसको चार्ट बना दूं तो कैसा रहेगा। मैंने सिर्फ एक चार्ट बनाया है, 0 के ऊपर एक लाइन खींची है, कुछ को माइनस में रख दिया, कुछ को प्लस में रख दिया। 0 मीन्स ग्राउंड। अब मैंने 0 को ग्राउंड कर दिया है, 0 को ग्राउंड लेवल पे आया हूं मैं भी। अगर 0 मतलब आप ग्राउंड लेवल पे हैं। अब आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले 0 पे आना होगा। 0 अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है, आपको कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों आप लोगों के लिए आपको किसी चैप्टर में अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 0 से शुरुआत ठीक नहीं की है। आपने उस चैप्टर के जो पहले वाले कुछ लाइन हैं वो सही से नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको ऊपर के जो चैप्टर हैं आगे वाले वो समझ में नहीं आ रहे हैं।
समझ रहे हैं आप? अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहे? आपने जीरो नहीं शुरू किया, आपने पेज नंबर वन को नहीं पढ़ा ठीक से, आपने चैप्टर वन को ठीक से नहीं पढ़ा, इसीलिए आपको जाके पेज नंबर 10 पे या चैप्टर नंबर 10 पे आगे जाके आपको समस्या होनी ही है। वो समस्या सुलझ नहीं सकती। अगर समस्या को सुलझाना है तो आपको सबसे पहले जीरो, पहले पेज से जो शुरुआत है उस शुरुआत से आपको लेना है और वहीं से आपको स्टडी करना है। अगर आपसे 7वें 8वें नंबर पे भी जाके गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जीरो ठीक नहीं है, आपने शुरुआत ठीक नहीं की है। शुरुआत ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? आपको वापस जीरो से ही शुरू करना है। अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर आप जीरो से दोबारा शुरुआत नहीं करोगे तो आगे वाली जो चीजें आ रही हैं वो आपकी कभी समझ में नहीं आएंगी। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी अगर 10वें चैप्टर पे जाके फंस गया है तो इसका मतलब ये है कि उसने उस चैप्टर की जो शुरुआत हुई है उसको ठीक से नहीं पढ़ा है। उसी तरह से हमारी जिंदगी भी ऐसी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जाके कहीं पे स्टक हो जाते हैं, कहीं पे जाके फंस जाते हैं, तो हमने अपनी शुरुआत बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं की है। वो जीरो हमारी बिल्कुल ठीक ही नहीं है, हमने उसके ऊपर छलांग लगाई है, हमने उसको ओवरटेक किया है, जबकि हमको पढ़ना था, जबकि हमको जीरो पे काम करना था। अगर हमारी लाइफ में भी इस तरह के मूवमेंट्स आते हैं, हमारी जिंदगी में भी इस तरह के मूवमेंट्स आते हैं, तो हमको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? हमको शुरुआत जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर जीरो से शुरुआत नहीं करोगे तो आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और इसी तरह से बिजनेस भी है। अगर बिजनेस आपका जाके फेल हो रहा है तो सिर्फ आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है या बहुत लोग माइनस में आ जाते हैं। लाइक मी, जब मुझे इंजरी हुई आई वॉज इन माइनस, मुझे जीरो पे आते आते सालों लगे और एक दो दिन नहीं। एक जापानी में एक कहावत है, नाना करो भी याओ की। क्या कहावत है बच्चों? नाना करो भी याओ की। इसका मतलब ये होता है कि 7 बार गिरो और फिर से 8वीं बार फिर से खड़े हो जाओ। तो जब 7 बार आप माइनस में हैं और जब आप फिर खड़े होते हो तो 7 स्टेप आपको पूरे करने होते हैं जीरो पे लाने के लिए। अगर आप जीरो तक नहीं आए तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते, चाहे आपका वो बिजनेस है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आगे बढ़ रहे हैं। जहां भी आपको समस्या दिखाई देती है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम जीरो कि मैंने गलतियां कहां की हैं। अगर आप जीरो से शुरुआत करेंगे तो आपको अपनी गलतियां मिलेंगी। उन सब चीजों का आपको काम करना है दोस्तों। एक मैंने पोएम लिखी थी भारत के ऊपर और केबीसी के मंच से मैंने कहा भी था कि हम भारत हैं, हम भारत हैं। स्मृति मैडम ने बात की थी हिंदू की, तो मैं बता दूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक हिंदुस्तान को, जैसे अमेरिका में जो पैदा हुआ उसको अमेरिकन कहा जाता है, चीन में जो पैदा हुआ उसको चीनी कहा जाता है, पाकिस्तान में जो पैदा हुआ उसको पाकी कहा जाता है, हिंदुस्तान में जो पैदा होता है उसको हिंदू कहा जाता है। हिंदू का धर्म नहीं है, धर्म वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इंडियन भारतीय, तो इंडियन हिंदू क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा है आपने? कभी नहीं, क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते किसी से इन सब चीजों के बारे में। हिंदुस्तान की मिट्टी में जो भी पैदा हुआ वो हिंदू हुआ। धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, पंथ अलग है, लेकिन हम लोगों ने इन सब चीजों को धीरे 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 बांटना शुरू कर दिया। एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है, मैंने खुद लिखी है, पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं आए, लेकिन पसंद आए तो पक्का
तालियां जरूर बजा देना। बजाओगे? यस सर। पानी भी मैं, पाषाण भी मैं, पानी भी मैं, पाषाण भी मैं, दरिया भी मैं, दयार भी मैं, हिंद भी मैं, हिमालय भी मैं, हिंद भी मैं, हिमालय भी मैं हिंदू हूँ, मैं बिंदु भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं बिंदु भी हूँ। बिंदु का मतलब ये डॉट नहीं है, बिंदु का मतलब डॉट नहीं है दोस्तों, बिंदु सार एक बहुत बड़े राजा होते हैं। मैं हिंदू भी हूँ, मैं बिंदु भी हूँ, मैं पुराण भी हूँ, मैं कुरान भी हूँ, मैं सीमाओं में बंधा नहीं, मैं सीमाओं में बंधा नहीं, मैं कागज पर लिखी लकीर नहीं। मेरा अस्तित्व कल भी था, आज भी है, आगे भी रहूँगा। मैं भारत था, मैं भारत हूँ, मैं भारत ही रहूँगा। कोयल की कूक भी हूँ, चिड़ियाओं की चहक भी हूँ, कोयल की कूक भी हूँ, चिड़ियाओं की चहक भी हूँ, हाथी की चिंघाड़ भी हूँ, शेरों की दहाड़ भी हूँ। मैं खंड हूँ, मैं खंड हूँ पर अखंड हूँ, गीता का सार हूँ तो, गीता का सार हूँ तो गुरु ग्रंथ का विस्तार हूँ। जाति पंथ में मैं बंधा नहीं, जाति पंथ में बंधा नहीं, मैं शाही से लिखी कोई इबारत नहीं, मैं शाही से लिखी कोई इबारत नहीं। मैं बहता था कल भी, मैं बहता था कल भी, आज भी बहूंगा। मैं लहू हूँ तेरे सीने का, मैं लहू हूँ तेरे सीने का, कल भी था आज भी हूँ, कल भी बहूंगा। मैं था, मैं हूँ, मैं ही रहूँगा। मैं भारत था, मैं भारत हूँ, मैं भारत ही रहूँगा। श्रुति मैडम ने अशोक की बात की थी तो पहले से ही हमारे इसमें था अशोक जी, सम्राट अशोक। अशोक भी हूँ, मोदी भी हूँ, अशोक भी हूँ, मोदी भी हूँ, कंधार भी हूँ, लाहौर भी हूँ। अशोक भी हूँ, मोदी भी हूँ, कंधार भी हूँ, लाहौर भी हूँ, और बरेली का मीना बाजार भी हूँ। अंधेरा भी हूँ, उजाला भी हूँ, शांत भी हूँ, शमशान भी हूँ। मैं भोर हूँ, मैं शाम हूँ, मैं पाप हूँ, मैं प्राश्चित हूँ। मैं सरहदों में कभी चिंता नहीं, मैं सरहदों में कभी चिंता नहीं, अस्तित्व मेरा कभी मिटा नहीं। मैं अड़िग था, अड़िग हूँ, अड़िग ही रहूँगा। मैं था, मैं हूँ, मैं ही रहूँगा। मैं भारत था, मैं भारत हूँ, मैं भारत ही रहूँगा। टैगोर भी हूँ, टैगोर का नाम सुना है? टैगोर भी हूँ, निराला भी हूँ। निराला का नाम सुना आपने? टैगोर भी हूँ, निराला भी हूँ, और हरिवंश की मधुशाला भी हूँ। लद्दाख की मैं रात हूँ, चेरापूंजी की बरसात हूँ, लद्दाख की मैं रात हूँ, चेरापूंजी की बरसात हूँ। लाल चौक का तिरंगा हूँ, लाल किले की प्राचीर हूँ। लाल चौक का तिरंगा हूँ, लाल किले की प्राचीर हूँ। खास भी हूँ, खास भी हूँ, और सब में आम भी हूँ। अविरल धारा मेरी कभी रुकी नहीं, अविरल धारा मेरी कभी नहीं रुकी नहीं, ये वीरों की भूमि कभी झुकी नहीं। मैं सरल था, मैं सरल हूँ, मैं सरल ही रहूँगा। मैं था, मैं हूँ, मैं ही रहूँगा। मैं भारत था, मैं भारत हूँ, मैं भारत ही रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।